कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। नमस्कार दोस्तों, एक बार आज फिर हम मिल रहे हैं। तो मैंने अपने बोर्ड में लिख दिया ग्रेट मॉर्निंग, और आज हम एक दोबारा से जो हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक किया था, उम्मीद है कि आपने वो लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लिया होगा, फाइनेंशियल डिसीजंस का टॉपिक आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज का जो लेक्चर है, मैं इस लेक्चर को नंबर 2 या ऐसा समझ ले, चलिए इसको मैं लेक्चर नंबर 2 बोलूंगा। तो मैंने एक लेक्चर 1 पहले ऑलरेडी आपको पिछली क्लास में कराया था और आपने उसको देख भी लिया होगा कि फाइनेंशियल डिसीजंस हमारी लाइफ के लिए, एक कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, हम उन्हीं बातों के साथ आज एक बार दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको पहले थोड़ी सी रिवीजन कराना चाहता हूं, जो जो मैंने लास्ट लेक्चर 1 में कराया है, एक बार मैं चाहता हूं कि आप उसको देखें समझें। मैंने अभी तक ये बताया था लास्ट क्लास में कि अगर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो फंड्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, वो तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर है, लेकिन फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए आपको एक चैप्टर का आना बहुत जरूरी है, और उस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल डिसीजंस। दोस्तों उस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल डिसीजंस, तो आज वही चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस में मैंने आपको एक बात बताने की कोशिश की थी, एक तो था जी सोर्सेस ऑफ फंड्स, कि फंड्स के सोर्सेस कितने होते हैं, हाउ मेनी सोर्सेस ऑफ फंड्स आर देयर। फंड्स के जो सोर्सेस हैं, देयर आर टू सोर्सेस ऑफ फंड, एक को हम कहते हैं डेट और दूसरे को हम कहते हैं इक्विटी। वन इज डेट एंड सेकेंड इज इक्विटी। डेट को हम जनरली बोलते हैं बोरोअर्स फंड, बोरोअर्स फंड। डेट को हम कहते हैं बोरोअर्स फंड, और इक्विटी को हम कहते हैं, इक्विटी को हम कहते हैं प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड। ये बात मैंने पिछली क्लास में आप सबको बता दी थी, बोरोअर्स फंड एंड प्रोप्राइटर्स फंड। वैसे प्रोप्राइटर्स फंड को हम जनरली शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ मैं फिर आपको पिछली क्लास में ये बताना शुरू कर चुका था कि अगर आप एक कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं और आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपको अब ये चेक करना है कि आपकी डेट इक्विटी रेशो कितनी होनी चाहिए। डेट इक्विटी रेशो वही है जो 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास में आपने या फाउंडेशन में, एग्जीक्यूटिव में सुना होगा। डेट इक्विटी रेशो हम जनरली कहते हैं 2:1। लेकिन ये दोस्तों एक जमाने में सीखी थी आपने, अब ये केस टू केस डिपेंड करता है कि डेट इक्विटी रेशो कितनी होनी चाहिए। उसके लिए हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए थे, और उनकी बातें हमने डिस्कस की थी, जिसको हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। ऐसी कौन सी बातें हैं जो फाइनेंशियल डिसीजन में अफेक्ट करती है, हम उनकी बातें करेंगे, उसको हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। तो मैंने एक बात आप सबको बताई थी कि पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, डेट और इक्विटी के प्लस और माइनस, डेट और इक्विटी के प्लस और माइनस हमने डिस्कस किए थे, डेट और इक्विटी के प्लस और माइनस हमने डिस्कस किए थे। और दूसरी बात मैंने बताई थी कि आप सभी को जब भी फाइनेंशियल डिसीजंस में डिसीजन लेनी है, सेकंड पॉइंट मैंने बताया था कि आपको ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जहां पर एमपीएस हाईएस्ट आए, यू हैव टू टेक दैट डिसीजन वेयर एमपीएस इज हाईएस्ट, ठीक है जी। तो कुछ फैक्टर्स थे, तो दूसरा फैक्टर था एमपीएस, और एमपीएस निकालने के लिए मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, एमपीएस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ईपीएस इनटू
प्राइस अर्निंग रेशो, ईपीएस इनटू प्राइस अर्निंग रेशो। तो एमपीएस इज इक्वल टू ईपीएस इनटू प्राइस अर्निंग रेशो। फिर ईपीएस कैसे निकालते हैं? ईपीएस निकालने का फॉर्मूला था आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और उसके बाद हमने सीखा था कि अगर हमें प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स निकालने हो, होल्डर्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स निकालना हो, तो मैंने लड़के की और लड़की की कहानी बताई थी। एक बच्चा कहता है बिल्कुल ठीक है सर, आगे चलो मास्टर, बिल्कुल बेटा आगे चल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप पेज नंबर 189 ये बुक का 189 वाला पेज एक बार निकाल लें और इसके कंसेप्ट वाले पेज को अपने सामने रख लें। मैं चाहता हूं कि एक बार मैं बता दूं कि मैंने अभी तक कितने कंसेप्ट्स आपको डिस्कस किए हैं जिससे कि हम आगे चल पाए। कंसेप्ट्स में दोस्तों मैंने ये मैंने कॉन्सेप्ट्स आपके सामने निकाल दिए। मैंने लास्ट क्लास में आपको लेक्चर वन में आपको नौ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, आपके पास बुक में भी कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने स्क्रीन में आपके सामने रख दिए हैं। लेक्चर वन में इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट नंबर वन, इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट नंबर टू, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ डेट्स, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ये बात मैंने आपको एक ही साथ लिखवा दी थी लास्ट क्लास में कि क्या पॉजिटिव्स होते हैं और क्या नेगेटिव्स होते हैं डेट के, प्रेफरेंशियल कैपिटल के और इक्विटी शेयर कैपिटल के। कंसेप्ट नंबर फाइव, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। स्टेप कंसेप्ट नंबर सिक्स, मैंने तीन स्टेप्स आपको डिक्टेट किए थे, लिखवाए थे, थ्री स्टेप्स फॉर डिजाइनिंग एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऐसे कौन से तीन स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं व्हाइल डिजाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो एक हमने कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मेट बनाया था, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाई थी और फिर मैंने रिकमेंडेशन लिखी थी, याद है आपको सभी को, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। तो आगे चलेंगे, मैं आपके सामने इस समय कंसेप्ट का पेज खोल चुका हूँ। कंसेप्ट उसके बाद मैंने फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग एमपीएस एंड ईपीएस बताया था और कुछ बातों को हमने लिखा था, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल फ्रेमिंग डेट इक्विटी मिक्स, क्योंकि ये बातों को समझना जरूरी था, इसलिए मैंने कंसेप्ट नंबर 9 में वो बातें लिखी थी। फिर मैं आ गया था, आज आना है मुझे, लेकिन आने से पहले मैं 10th 11th 12th 13th 14th कंसेप्ट कराने से पहले मैं चाहता हूं, क्योंकि आज लेक्चर 2 है, तो लेक्चर 2 में मैं ये सब कराने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी एक ईमानदारी से एक बात समझ लें कि अगर आपने घर में होमवर्क नहीं किया, क्योंकि मैं पहले होमवर्क देखना चाहता हूं आप सभी का। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क बताया था और होमवर्क करके आना जरूरी है दोस्तों। कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कर्म नहीं करते, कर्म का मतलब है खुद क्वेश्चन लिख लिख के नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो दिक्कत आने वाली है। आइए जी, मुझे लगता है मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके सामने रख दिए हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर वन, पेज नंबर 242 एक बार खोलेंगे, पेज 242 लीजिए। इसका मैंने आपको पहला क्वेश्चन करा दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स कैसे निकालते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स 9%, प्रेफरेंशियल कैपिटल, डिबेंचर्स, द कंपनीज ईबीआईटी इज एट द रेट ऑफ 12% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह वगैरह हमने लास्ट क्लास में किया था। 25 लाख रुपए चाहिए थे, तीन ऑप्शंस थी, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, एंड उसके बाद हमने
मैंने कहा था ये आपके टीएस के दिसंबर में आ चुका है, फिर जून 2014 में आया था, पीसीएमए की स्टडी में है, तो ये क्वेश्चन आप निकाल लीजिए, पेज नंबर 1241 है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन तो करा चुका हूँ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हूँ, सेकंड मैंने होमवर्क में दिया था आपको। तो मेरा आज की क्लास में एजेंडा यही रहेगा कि मैं एक तो सेकेंड क्वेश्चन कराऊँ आपको, सेकेंड के बाद फिर मैं आपको थर्ड क्वेश्चन कराऊँ, थर्ड के बाद मैं आपको फोर्थ कराऊँ, फोर्थ के बाद फिफ्थ, जो भी होमवर्क दिया था एक बार डिस्कस करूं और फिर मैं आगे चलूं। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी पहले क्वेश्चन नंबर फोर्थ निकाल लें। मैं कुछ इस तरह से करने वाला हूं, पहले मैं फोर्थ करूंगा, फिर मैं फिफ्थ करूंगा, फिर सेकेंड और फिर थर्ड। तो फोर्थ पहले करने वाला हूं जो दोस्तों, ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये फिफ्थ है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ये फिफ्थ है, और फिर फिफ्थ के बाद मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर टू करूंगा, ये सेकंड है, और सेकंड के बाद मैं थर्ड क्वेश्चन करूंगा, ये थर्ड है। तो आइए जी, इन्हीं बातों के साथ हम थोड़ा सा आगे चलें और लाइफ में आगे बढ़े। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को पढ़ना शुरू कर दें आप सभी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पेज नंबर 245 अपनी बुक का, फाइनेंशियल डिसीजन का चैप्टर है। हमें यह देखना है कि हम कहां से फंड्स को रेज करें और कहां से फंड्स रेज करने से ज्यादा बेटर रहेगा। कंपनी ए इज प्रेजेंटली हैविंग अ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 500 ईच। एक कंपनी के पास 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, ऑलरेडी 500 रुपए का एक शेयर है, तो दोस्तों 3 और 1 4 और 2 6 50 लाख रुपए का उनके पास ऑलरेडी पैसे हैं। द कंपनी प्रपोजेस टू रेस एडिशनल रुपीज 50 लाख। इस कंपनी को 50 लाख और एडिशन में चाहिए, 50 लाख रुपए और एडिशन में चाहिए। पुराने 50 लाख तो हैं और 50 लाख चाहिए, तो टोटल पोर्टली आ जाएगी 1 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ रुपए की, ठीक है जी। फॉर एक्सपेंशन करना है, 50 लाख रुपए इनको जरूरत है। मैं इसको वर्किंग नोट नंबर 1 मान रहा हूं, इसका नाम लिख रहा हूं, दिस इज फॉर एक्सपेंशन पर्पस, इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। नीचे देखिए जी, आपको 4 चॉइस उन्होंने ऑलरेडी दे दी है। पहली चॉइस है इक्विटी शेयर इशू करते हैं, दूसरी चॉइस है इक्विटी शेयर इशू कर दें और टर्म लोन ले लें, तीसरी चॉइस है कि आप 13% का टर्म लोन 50 लाख ही ले लें, और फोर्थ चॉइस है कि आप इक्विटी शेयर इशू करें और प्रेफरेंस शेयर इशू करें, ठीक है जी। द एडिशनल इनपुट ऑफ कैपिटल वुड डबल, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, वुड डबल इट्स प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह जी, जो एग्जिस्टिंग है अगर आप एक्सपेंड कर देंगे तो डबल हो जाएगी, तो डबल हो जाएगी नीचे, डबल द एग्जिस्टिंग ईबीआईटी। मान लेते हैं एग्जिस्टिंग ईबीआईटी 5 लाख रुपए है, मान लेते हैं एग्जिस्टिंग ईबीआईटी 5 लाख रुपीज है, तो डबल हो जाएगी, तो मतलब 5 लाख प्लस 5 लाख इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज हो जाएगा, 10 लाख रुपए हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। 10 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट हो जाएगी अगर आप 50 लाख रुपए, अगर आप 5 लाख एग्जिस्टिंग मानते हैं तो डबल का मतलब डबल हो जाएगी, ठीक है। वो कह रहा है जी एग्जिस्टिंग 6 लाख रुपए थी, ठीक है, तो नया कितना हो जाएगा, 6 लाख प्लस 6 लाख इज इक्वल टू 12 लाख, 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। टैक्स का रेट है जी 30%, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंपैक्ट
अंडरलाइन कर दीजिए, इंपैक्ट ऑन ईपीएस। वो क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि आप ईपीएस के ऊपर इंपैक्ट बताइए, इंपैक्ट ऑन ईपीएस, ठीक है, इन द फॉलोइंग फोर प्रपोजल्स। बहुत बढ़िया, उम्मीद है कि आपने घर में क्वेश्चन किया होगा और इन्हीं क्वेश्चन के साथ हम आगे चलेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप घर में कर चुके होंगे। तो आइए जी, मैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ हूं और मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट। स्टेप नंबर वन हम लिख रहे हैं कि पहले स्टेप नंबर वन स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव। जो आपके पास ऑल्टरनेटिव है उनकी बातें कर रहे हैं। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल और ऑल्टरनेटिव्स। प्रपोजल वन, प्रपोजल वन जो है वो है दोस्तों, मैं लिख रहा हूं टू इशू न्यू इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 500, दैट इज 10,000 इक्विटी शेयर्स इनटू 500 इज इक्वल टू 50 लाख, इज इक्वल टू 50 लाख। यहां पे लिख दिया जी प्रपोजल नंबर टू, टू इशू न्यू इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 500, दैट इज 5,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 500 एंड 12% टर्म लोन रुपीज 25 लाख एंड 12% टर्म लोन रुपीज 25 लाख। तो ये प्रपोजल नंबर टू हो गया। प्रपोजल नंबर थ्री, टू इशू और टू रेज रुपीज 50 लाख, टू रेज रुपीज 50 लाख एट द रेट ऑफ 13% टर्म लोन, एट द रेट ऑफ 13% टर्म लोन। और लास्ट ऑप्शन आ गई जी ऑल्टरनेटिव फोर्थ की, प्रपोजल नंबर फोर्थ की। आपको अब चूज करना है कि इस सभी में से कौन सा बेस्ट होगा। प्रपोजल नंबर फोर, टू इशू 5,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 500 एंड 10% प्रेफरेंशियल्स एट द रेट ऑफ मतलब 25 लाख रुपए इक्विटी शेयर्स है और 25 लाख रुपए प्रेफरेंशियल्स है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन घर में जरूर ट्राई किया होगा। मैं फिर भी अपने सेवा भाव से क्वेश्चन नंबर फोर इस समय आपके सामने करा रहा हूं और हमने लास्ट क्लास में इसको सीखा था। आज मैं कुछ पीपीटीज दिखाऊंगा और कुछ बातें करूंगा। तो प्रपोजल नंबर वन, स्टेप नंबर वन मैं कर चुका हूं, मैं आ रहा हूं स्टेप नंबर टू में। मैं स्टेप नंबर टू में आ रहा हूं दोस्तों, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। तो लिखिए जी स्टेप नंबर टू, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। हम ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स की प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट को लिख रहे हैं। तो ये मैंने आपके सामने चार प्रपोजल्स लिख दिए। मैं यहां पे लिख रहा हूं जी न्यू ईबीआईटी, ये तो मुझे क्वेश्चन में गिवन ही है। पहले 6 लाख थी, अब फिर 6 लाख हो गई, तो ये टोटल बेटे हो गई 12 लाख रुपए की। आराम से देख लीजिए, मैंने इस प्रोसेस को आपको समझाया हुआ है कि 12 लाख रुपए कैसे आ गया।
पहले छह थी, फिर छह हो गई और छह प्लस छह बारह हो गई जी। फिर मैं अब क्या करूंगा, एक एक ऑप्शन को खत्म करूंगा, सारी एक साथ नहीं करनी है, एक एक ऑप्शन को खत्म करना है। तो मैं चल रहा हूं लेस इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट। तो पहले केस में हम देख लेते हैं कि क्या कोई इंटरेस्ट है या नहीं, पहले केस में हम देख लेते हैं कि क्या कुछ इंटरेस्ट है या नहीं। तो आइए एक बार हम देख लें कि पहले केस में इंटरेस्ट है या नहीं। ठीक है जी, आइए एक बार नजर मार लें। तो दोस्तों आपने ईबीआईटी लिख लिया। अब मैं सबसे पहले फर्स्ट प्रपोजल में इंटरेस्ट लेस करूंगा, तो उसके लिए पहले प्रपोजल में आप आ जाइए और फर्स्ट प्रपोजल जो हमने प्रिपेयर किया है कुछ इस तरह से प्रिपेयर कर दिया। वैसे आप इसको इस दूसरी तरह से भी बना सकते थे, जैसा मैंने आपको पहले समझाया था। अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ प्रपोजल वन लिख सकते हैं। मेरा खाली ढंग एक ऑब्जेक्टिव था कि मैं एक नए ढंग से बताऊं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं प्रपोजल वन, प्रपोजल थ्री, प्रपोजल फोर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और फिर यहां पर भी लिख सकते हैं आप जैसे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, या न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल, कुछ भी लिख सकते हैं एग्जिस्टिंग के बाद न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर यहां पर लिख सकते हैं 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल। फिर यहां पर लिख सकते हैं 12% टर्म लोन। और फिर यहां पर लिख सकते हैं 13% टर्म लोन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग में अगर आप देखें ध्यान से तो 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं 500 रुपए के हिसाब से, तो ये फिगर जो आ जाती है वो 50 लाख रुपए की आती है और वो सभी ऑप्शंस में सेम है। 50 लाख रुपीस की फिगर सभी जगह सेम है, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख एंड 50 लाख। न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल आप देखें फर्स्ट प्रपोजल में है 10,000 इक्विटी शेयर्स 500 रुपए के हिसाब से 50 लाख। अब यहां पर प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं है, टर्म लोन नहीं है और 13% टर्म लोन भी नहीं है। मैं अगर ऑप्शन टू की बात करूं तो दोस्तों 5,000 इक्विटी शेयर्स, न्यू इक्विटी शेयर्स 5,000 है। आप इस तरह से भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो ये 25 लाख रुपए आ गया जी, 25 लाख और इसके साथ 12% टर्म लोन 25 लाख। प्रपोजल थ्री, ऑल्टरनेटिव नंबर थ्री, न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है जी, प्रेफरेंशियल कैपिटल भी नहीं है, टर्म लोन भी नहीं है, 13% टर्म लोन है 50 लाख का। और लास्ट प्रपोजल में आ गया 5,000 इक्विटी शेयर्स 25 लाख रुपए के, 5,000 इक्विटी शेयर्स 25 लाख रुपए के और 10% प्रेफरेंस शेयर्स 25 लाख रुपए के। ये देखो जी, ये रहा आपके सामने और यहां पर टोटल कर दिया 1 करोड़ रुपए का मैंने टोटल कर दिया जी, 1 करोड़ रुपीस का यहां पर टोटल कर दिया आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं जी। पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया है, स्टेप नंबर वन मैंने कंप्लीट कर दिया है, स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। अब मैं आ रहा हूं जी स्टेप नंबर टू की तरफ। स्टेप नंबर टू में जो आपने पहले से ही बनाया हुआ है, ये जैसे ईबीआईटी प्रिपेयर किया आपने अलग अलग, न्यू ईबीआईटी 12 लाख 12 लाख 12 लाख 12 लाख के लेस इंटरेस्ट करेंगे। इंटरेस्ट चेक कर लीजिए जी, पहले केस में तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि 12% टर्म लोन भी नहीं है और 13% का टर्म लोन भी नहीं है, तो पहले केस में तो इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मैंने फर्स्ट केस में इंटरेस्ट को डैश कर दिया। अब यहां पे लिख दिया जी मैंने ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, ये फिगर जो आ गई 12 लाख रुपए की, इसमें से लेस कर दिया जी टैक्स, टैक्स का रेट निकाल लीजिए 30% है, टैक्स का रेट है जी 30%, ठीक है जी, 30% का रेट है। तो आइए
परसेंट लेस कर दीजिए, कैलकुलेटर आपके हाथ में। अच्छा उसमें टैक्स के बाद अभी देख लेते हैं, वैसे 360,000 रुपए का टैक्स आएगा, लेस कर देते हैं 12,00,000 में से 360,000 रुपए भी लेस कर दिए जी, ये बच गई फिगर 8,40,000। इसको बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करते हैं, लेकिन पहले केस में प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है, तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 8,40,000, 8,40,000। और यहां पे लिख दिया जी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो आइए देखें कितने बच्चे कर पा रहे हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में पहले प्रपोजल को मैंने निकाल लिया, 10,000 शेयर्स हैं और 10,000 ये हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 20,000 हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 20,000। तो अब आप ईपीएस निकाल लीजिए, 8,40,000 डिवाइडेड बाय 20,000, ये आपके सामने आ गया जी 42 रुपए ईपीएस आ चुकी है, अर्निंग पर शेयर 42, और आंसर हमारा बिल्कुल टैली कर रहा है। अब मैं आ गया प्रपोजल नंबर 2 में, प्रपोजल नंबर 2 में आप चेक कर लीजिए इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट 12% ही है जी प्रपोजल नंबर 2 में 25,00,000 का। तो मैंने कैलकुलेटर से करना शुरू कर दिया, इनटू 12% ये फिगर आ गई 3,00,000। तो मैंने यहां पर लिख दिया जी 3,00,000, ये 3,00,000 लिख दिया, 12,00,000 में से 3,00,000 चले गए, ये बच गया जी 9,00,000 रुपए। और 9,00,000 का अगर मैं टैक्स का रेट निकाल लू, तो देख लीजिए जी 2,70,000 और 2,70,000 लेस कर दीजिए, तो बैलेंसिंग फिगर जो बचती है उसको हम कहते हैं 6,30,000। अब चेक करिए कि क्या प्रपोजल 2 में प्रेफरेंस डिविडेंड देने की जरूरत थी, एक बार देख लें, क्या प्रपोजल 2 में प्रेफरेंस डिविडेंड देने की जरूरत थी, नहीं थी, है ही नहीं। तो चलिए जी डैश करके आगे चलिए, ये मैंने 6,30,000 में से माइनस कर दिया, तो बाकी जो बच गया उसको हम कहते हैं जी 6,30,000। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देख लें, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, सब कुछ मैंने उसी स्टेटमेंट से देखना है, 10,000 और 5,000, 15,000 है जी, 15,000। तो चलिए जी 6,30,000 डिवाइडेड बाय 15,000, ये फिगर आ गया जी 42, दोबारा से 42 रुपए आ गया, आंसर भी बिल्कुल टैली कर रहा है। कैलकुलेटर से प्लीज आप साथ साथ कैलकुलेट करें, क्योंकि देखिए जी कैलकुलेटर से करना ही फायदेमंद वाली बात है। मैं आ गया जी थर्ड केस में, और वहां पर देख लिया मैंने कितना इंटरेस्ट है, 13% का लोन है जी 50,00,000 रुपए का, तो 50,00,000 रुपए इंटू 13% ये आ गया जी 6,50,000। 6,50,000 रुपए यहां पे मैंने लिख दिया, तो 12,00,000 में से 6,50,000 लेस कर रहे हैं, 12,00,000 में से 6,50,000 लेस कर रहे हैं, ये फिगर आ गई 5,50,000। तो 5,50,000 का 30% 1,65,000, ये आ गई 3,85,000। अब आप चेक करिए कि क्या यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए जी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, मैंने डैश कर दिया, मैं आगे चल पड़ा 3,85,000। अब मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देख रहा हूं कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं थर्ड प्रपोजल में, तो 10,000 ही है जी, 10,000 ही है, तो मैंने 10,000 से भाग कर दिया, ये जो फिगर बच गई इसको कह दिया 38,50 रुपए। चलिए जी ये भी आंसर बिल्कुल टैली कर रहा है। अब मैं आ गया जी फोर्थ प्रपोजल में, और यहां पर सबसे पहले मैं इंटरेस्ट लेस करूंगा और मैं चेक करूंगा कि कितना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट नहीं है जी, क्योंकि यहां प्रेफरेंस डिविडेंड इशू किए हुए हैं, तो इंटरेस्ट है ही नहीं, 12,00,000 बच गया,
3,60,000 लेस कर दिया, 12,00,000 में से 3,60,000 में लेस कर दूं तो बैलेंस जो बचता है उसकी फिगर का नाम है 8,40,000। अब यहां प्रेफरेंस डिविडेंड है जी, तो आइए एक बार हम देख लें प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है। 10% 25,00,000 का 2,50,000 रुपए है जी, 2,50,000। तो 2,50,000 रुपए मैंने यहां से लेस कर दिए, तो ये आ गया जी 5,90,000, 5,90,000, 5,90,000। और प्रेफरेंस शेयर है जी 15, इक्विटी शेयर है 15, 5,90,000 डिवाइडेड बाय 15, ये आ गया जी 39 रुपीज 33 पैसा, 39 रुपीज 33 पैसा, बिल्कुल आंसर सेम आ रहा है। अब आपको रिकमेंडेशन देनी है और वो हम आ गए स्टेप नंबर 3 में कि हम किस तरह की रिकमेंडेशन दें। तो स्टेप नंबर 3 में लिख रहा हूं, रिकमेंडेशन मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहली प्रेफरेंस मार्केट प्राइस पर शेयर को देते हैं, लेकिन यहां पर आप एमपीएस निकाल ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि प्राइस अर्निंग रेशियो नहीं दी, और एमपीएस अलग अलग कारणों पर डिपेंड करता है, अलग अलग रीजंस पर डिपेंड करता है, तो इसलिए यहां पर आप एमपीएस तो नहीं निकाल सकते, लेकिन ईपीएस ही लेना पड़ेगा। अब ईपीएस दो है सेम, जैसे प्रपोजल 1 और 2 का, ऑप्शन 1 और 2 का सेम है ईपीएस। अब देखिए लेकिन पहले में और दूसरे में एक डिफरेंस है कि यहां पे लिवरेज ज्यादा और यहां पे लिवरेज कम है, तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, आप लिखेंगे द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज्ड, द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज्ड ईदर टू एक्सेप्ट, द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज्ड ईदर टू एक्सेप्ट proposal number 1, that is to issue 50,000 equity shares, or that is to issue 10,000 equity shares at the rate of ₹500 or 5,000 equity shares at the rate of ₹500 and 12% term loan at the rate of 25 lakhs, in case management is aggressive in nature, मैं ये कह रहा हूं अगर management aggressive in nature की है, then it is better to adopt proposal two because higher the risk high will be the return, जितना risk ज्यादा होगा उतना return भी ज्यादा होगा दोस्तों। तो इस तरह से मैंने question number 4 को complete किया है। मैं चाहता हूं कि आप question number 5 को पढ़ना शुरू कर दें, आपके दिसंबर 2004 में, दिसंबर 99 में भी आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से जिन बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है वो 5th को पढ़ेंगे और पहला स्टेप कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे। चलिए जी बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, पहला स्टेप कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना भी शुरू कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5th मैं बिल्कुल स्टार्ट करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 5th, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में आप सबसे पहले स्टेप नंबर 1 शुरू कर दीजिएगा। तो स्टेप नंबर 1 में मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग,